नमस्कार, रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। बड़ी खबर आपको बता दें, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूटे गए सामान के 5 आरोपी गिरफ्तार। बीते 28 दिसंबर को एक्सिस कोटा लिमिटेड माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा डिग्गी से महिला समूह का पैसा कलेक्शन कर संजय कुमार अपनी टीवीएस मोटरसाइकिल से अपने आने के क्रम में डिग्गी झगड़ा के बीच पुल पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा भाई टुमुक्का से मारपीट करवा दी। संजय कुमार की मोटरसाइकिल छीन लेने के आरोप में दिए गए आवेदन के आधार पर मेहरमा थाने में कांड दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोडा के द्वारा उपरोक्त कांड के उद्भेदन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महागामा के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की गई थी। उक्त एसआईटी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों का संकलन कर छापेमारी कर नीरज यादव पिता राजेंद्र यादव, दूसरा शशि पासवान पिता संजय पासवान, तीसरा रोहित पासवान पिता सिकंदर पासवान और चौथा घनश्याम पासवान पिता सुरेश पासवान, तीनों ग्राम दिग्गी थाना मेहरमा जिला गोडा को गिरफ्तार किया गया। जो अपने स्वीकारोक्त बयान में अपरोध कांड में अपने संलिप्तता स्वीकार की गई तथा इन लोगों के स्वीकारोक्त बयान के आधार पर नीरज यादव के घर से घटना में लूटा गया मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। वहीं नीरज यादव का पहले से भी आपराधिक इतिहास है, जो कि ईशीपुर बाराहाट थाना में कांड उत्पाद अधिनियम दर्ज है। छापेमारी दल में शामिल मेहरमा पुलिस निरीक्षक बलबीर सिंह, मेहरमा थाना प्रभारी पल्लवी कुजूर, बलबटा थाना प्रभारी राजू लाल स्वामी, पुलिस सवर निरीक्षक अरुण कुमार, जितेंद्र कुमार वर्मा, चंदन कुमार वर्मा, खालिद अहमद खान, आरक्षी सत्येंद्र पासवान, नीरज कुमार मौजूद थे। गोढ़ा से विपिन कुमार मंडल की खास रिपोर्ट, जगह न्यूज 24। टीम के द्वारा 5 लूट पाटी कांड में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 28/12 को एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के वादी है संजय कुमार, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी संजय कुमार, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि मेहरमा थाना क्षेत्र के दिग्गी जखरा पुल के ऊपर कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनके साथ जो बाइक है, जिस बाइक से जा रहे थे, बाइक की छिनताई कर ली गई है। उन्हीं अज्ञात अपराधियों के खिलाफ उन्होंने थाना में मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज करने के उपरांत SDPO महागामा, थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इन्होंने काफ़ी छानबीन की, पुरानी जो भी इस तरह की घटना में संलिप्त क्रिमिनल्स थे, सस्पेक्टेड थे, और कुछ वैज्ञानिक तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया। उसके आधार पर कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। उन्हीं के पूछताछ में दौरान सभी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और एक नीरज यादव है जिसमें मुख्य अभियुक्त है, उसके घर से छीना हुआ मोटरसाइकिल बरामद हुआ। इस घटना में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। सभी खुटारी के रहने वाले मेहरमा थाना क्षेत्र। इसमें पैसे की भी चिंता है, इसमें पैसा उसके पास 30,000 रुपया था, लेकिन पैसा छीनने में वो लोग सक्षम नहीं हुए थे, चूंकि वहाँ पर कोई सिविलियन आ गए थे तो उसको गाड़ी को देकर वो लोग भाग गए थे, मोटरसाइकिल लेकर भाग गए थे। तो मोटरसाइकिल जो छीना गया था, मोटरसाइकिल बरामद हो गया है और पैसा भी छीना गया था। आपराधिक इतिहास पहले इसमें जो नीरज यादव है उसका 2 आपराधिक इतिहास है, कि 12/8 थाना से एक्साइज के केस में जेल गया है और दूसरा भी एक एक्साइज का ही केस है। तो क्या लगता है कि एक्साइज का केस है तो मोटरसाइकिल से दारू का सप्लाई किया जा हो सकता है? मोटरसाइकिल छीनकर जैसा भी इनसे पूछताछ में जो बताया, इन्होंने बोला कि नव जो न्यू ईयर है उसका उसकी पार्टी करने के लिए इन्होंने छीनते की घटना को अंजाम दिया था और इनको पता था कि ये जो माइक्रो फाइनेंस कर्मी है इसके पास पैसा है। ग्रुप में थे सती, ये 5 और 7 में थे, 2 लोग वहाँ पर जो मोटरसाइकिल छीनने में थे, 3 उनके सहयोग के लिए थोड़ा दूरी में खड़े हुए थे। अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगन न्यूज 24।